महानगरों से लौटकर अपने घर वापस आ रहे मजदूरों को घर जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिसके कारण वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के केमाहा चेक पोस्ट बैरियल पर यूपी पुलिस ने रात करीब 9 बजे मजदूरों को रोक दिया और मजदूर भूखे प्यासे होने के कारण रविवार की दोपहर करीब 12:30 बजे आक्रोशित हो गए और नेशनल हाईवे की सड़क पर उतरकर हंगामा करना शुरू कर दिया। लगभग 1.5 से 2 महीने तक हम पुणे में फंसे थे। नहीं तो हमको सेठ खाना खिलाता था, जितना हमारे पास पैसा था उतने हम राशन खरीद के खाते थे। जो ये सरकार बता रही थी कि हम सरकारी जो काम काज है, सरकारी जो खाना पानी है सब मिलेगी, लेकिन एक भी व्यवस्था सरकार वहाँ की कुछ नहीं करी। यहाँ कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, आप फंस गए हैं। हम देखिए वहाँ से पुणे से यहाँ तक हम पैदल चल के आए हैं, लेकिन सरकार हमारी योगी आदित्यनाथ ने खुद बोला था कि हमारे जो भारत में जो वहाँ के रहते अलग अलग राज्य में। कहाँ तक जाना है आपको? हमको जाना है उत्तर प्रदेश गोरखपुर संत कबीर नगर। खाने पीने की सुविधा नहीं है, 9 घंटे बाद पानी आया है। कब से फंसे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ 10 घंटे हो गए। किसने रोक रखा है आप लोगों को? यहाँ के जो पुलिस अधिकारी वो लोग रोक के रखे हैं। कौन से पुलिस अधिकारी? यूपी के एमपी के? यूपी का। उधर इस बात की जानकारी लगते ही एमपी यूपी पुलिस द्वारा मोर्चा संभाला गया, मगर एमपी यूपी बॉर्डर सील होने की वजह से उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों की भीड़ जब हाईवे की सड़क पर उतर आई तो दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिस कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। वहीं इस मामले को लेकर छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने मीडिया के माध्यम से यूपी के महुआ कलेक्टर से अपील करते हुए कहा कि इन मजदूरों को धीरे धीरे करके उनके गाँव तक जाने दें। रहा सवाल खाने पीने का, तो उनके लिए पर्याप्त मात्रा में खाने पीने का इंतजाम किया गया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी किया जाएगा। मेरी डीएम महोबा से बार बार बात होती है। हम लोग जब वो आते हैं तो उनको चूँकि यूपी जाना है, महोबा बांदा फतेहपुर या और आगे, खाने की व्यवस्था हम लोग जो वहाँ पे एसडीएम और तहसीलदार हैं लोग करते हैं। अभी भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो लगातार लोग आ रहे हैं, रोज़ उनकी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और आगे भी की जाती रहेंगी। मैं आपके माध्यम से डीएम महोबा से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि उनकी प्रॉपर चेकिंग के साथ अगर उनको यूपी जाना है तो जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं करके आगे जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एक दो बार कोशिश की कि इनको रोका जाए, छतरपुर में रखा जाए, पर दे जो कि महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, केरल से इतनी दूर चल के आए तो वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहता है और वो आगे जाना चाहता है। जहाँ तक आपने खाने और उसकी व्यवस्था की बात की है, निश्चित तौर पर अगर और ज़्यादा ज़रूरत है तो हम और व्यवस्थाएँ करेंगे और डीएम महोबा से पुनः मैं एक बार बात करूँगा, जिससे कि वो सुरक्षित अपने घरों तक पहुँच सके। वरदान एक्सप्रेस के लिए महाराजपुर से प्रिंस भरभुंजा की रिपोर्ट।